पाकिस्तान ने एहतजाज करा, फिर भी अहमदाबाद में मैचेस रख दिए पाकिस्तान के, पाकिस्तान नहीं जाता था वहाँ खेलने, तो क्या आईसी ने तरफदारी की या इस पे इशू नहीं बनना चाहिए कि अहमदाबाद में मैच हो, मुंबई में मैच हो, कोलकाता में? कोई इशू इसमें, इशू की बात क्या, जहाँ मैच होगा वहाँ खेलना है पाकिस्तान ने, खत्म होगी बात, सिंपल। ये अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी चीज़ें कि अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे तो वहाँ खेलेंगे, पाकिस्तानी प्लेयर से पूछो, दे डोंट केयर, दे विल प्ले वेयर एवर द स्केड्यूल विल कम। मतलब वर्ल्ड कप कुछ अर्सा पहले तक बड़ी बातें चल रही थी कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, बड़ी बड़ी लोगों ने बातें की, बट इंडिया अब भी नहीं आ रहा, हाइब्रिड वर्ल्ड में एशिया कप होना, हम जा रहे हैं, तो क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोचना चाहिए था कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, रियलिस्टिक क्वेश्चन क्या है? और दूसरा शुरू में मैंने बात की क्रिकेट को हम कैसे बचा सकते हैं दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल डिसीजन से? आई एम ऑल फॉर ईगोस, अगर आपकी ईगो है, अगर आप समझते हैं कि ये गलत हो रहा तो बोलें, बट अगेन मूव ऑन देन, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो ये नहीं होगा, फिर वहीं खड़े हैं ना जहाँ शुरू हुए थे फिर। सो ऑलवेज प्लान इट, ऑलवेज थिंक कि क्या हम ये कर सकते हैं, कि हम जो बात कर रहे हैं कि इसको ख़त्म करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो डोंट डू इट, इससे मजाक उड़ता है। सो लेट्स प्लान इट, पेट्रियाटिक सारे हैं हम अपने मुल्क के लिए, और वो दूसरे अपने मुल्कों के लिए होंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट जस्ट एंड ऑफ द डे लाइक आई सेड इन माय इंटरव्यू, इट्स ओनली अ गेम, इट इज जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट है वो आपस में बात करेंगे, दैट्स देयर प्रॉब्लम। कोई प्रेशर नहीं है कप्तानी में, कोई लैग नहीं करता, हम लोग लैग कराते हैं उसको, ही इज डूइंग वेल, ही इज ऑन द राइट ट्रैक, एंड बाबर शुड बी वरी अबाउट एनीथिंग, फोकस, हैव फन एंड रिमेंबर द होल कंट्रीज बिहाइंड यू बडी। पाकिस्तान को टॉप 4 में आता देख रहे हैं? मैंने स्केड्यूल देखा है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैच वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा, 46-47 गेम्स। और जहाँ तक सेकंड क्वेश्चन है, मैंने पिछले दिनों भी अभी आईसीसी के लिए एडिट सम इंटरव्यूज, एंड आई थिंक पाकिस्तान टीम हैव द पोटेंशियल टू डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर द टॉप 4, कंडीशंस हमारी और यू नो कॉन्फिडेंस है हम सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, सो या आई थिंक पाकिस्तान टीम हैव अ चांस टू फर्स्ट क्वालिफाई फॉर टॉप 4। अच्छा वैसे भाई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप है, एशिया कप से पहले एक दूसरी जगह जब कभी नजम से भी, तो क्या ये वर्ल्ड कप की हमारी भी पार्टनरी पर जो है असर डाल सकती है? आई होप नॉट, बट इससे प्लेयर तो अफेक्ट होते हैं, हमारे दौर में भी जब चेयरमैन साहब चेंज होते थे, नए आते थे, अगर मैं कप्तान था तो स्ट्रेस होता था कि ये चेंज ना कर दे आके, इनकी पॉलिसी क्या होगी, जो भी करना है गवर्नमेंट ने, जो भी ये चाहते हैं, जस्ट गेट इट डन एंड मूव ऑन। अब केसेस भी सुना चल रहे हैं, वो भी आ गए हैं, सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट इवन फनी एनी मोर, पीपल अब्रॉड जो बोर्ड्स हैं वो जब देखते हैं या बात करते हैं तो दे डू आस्क दीज क्वेश्चंस, और मैं कहता हूँ आई डोंट हैव एन आंसर। लग रही है क्योंकि वो अभी काउंटी में भी इस तरह बॉलिंग नहीं कर पा रहा, T20 ब्लास्ट में हमेशा हमारा एक होता था कि शायद स्ट्राइक शुरू में यही करेगा, इसको आपको लग रहा है कि प्यार से आराम से देखभाल का इस्तेमाल करना होगा, वर्कलोड मैनेजमेंट पे जरा दिखता होगा? टॉकिंग अबाउट शाहीन, आई थिंक इस उम्र में यार, इज 22-23, आई प्रॉब्ली यंगर, द मोर ही प्लेज द बेटर विल बिकम, वी हैड अ नी इंजरी रिमेंबर, बॉलर को जब नी इंजरी होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है वो पेस को वापस आते आते, बिकॉज बैक ऑफ अ माइंड उसके जहन में होता है कि पेन दोबारा ना आ जाए, एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, ही हैज इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग, दैट्स द बोनस, नीचे से आके कैमियो खेले वनडे में भी, T20 में भी, ही इज अ फ्यूचर क्रिकेटर टू वॉच एज वेल। कोचिंग करते हैं उन पर काफ़ी सारे कप्तान भी बात करते हैं, क्यों पाकिस्तानी कोचेज को एंटरटेन नहीं कर रहे, या आपकी नज़र में सही है कि ऑनलाइन कोचिंग भी? जब पाकिस्तानी रखो तुम लोग कहते हो, तुम लोग से मुराद हम लोग कहते हैं, पाकिस्तानी को रखा है, जब फॉरनर रखते हैं हम लोग कहते हैं पाकिस्तानी फॉरनर को रखा है, और वट एवर, जस्ट इट्स इम्पॉसिबल टू मेक यू हैप्पी, मेक एवरी वन, रियली इज, आई डू रीड न्यूज, आई डू सी सोशल मीडिया, आप ए करते हो वो कहते हैं बी नहीं किया, आप ए बी करते हो वो कहते हैं आपने सी नहीं किया, आप ए बी सी करते हो वो कहते हैं आपने डी नहीं किया, सो आई डोंट नो हाउ इट्स गोना वर्क, बट ऑनलाइन कोचिंग पहली दफ़ा सुना है, अगेन ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, लेट्स सी कैसा होता है, थैंक यू।